आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गाजीपुर सैदपुर विधानसभा 374 में ओम प्रकाश राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। अब इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 80 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सोशल मीडिया पर नौजवान गुस्से में है, योगी मोदी अभी तक भर्ती नहीं निकाल पाए। योगी कहते हैं कि नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा, वहीं अखिलेश यादव सरकार बनने के बाद भर्ती निकालने को करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, जिधर राजभर उधर राजभर, जिधर सरकार उधर। हमारे ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी का बिराजा है, हम हनुमान जी का बिराजा रही। हनुमान जी लंका गए, लंका गए तो सबसे पहले अशोक वाटिका उजाड़ी है। यहाँ ओम प्रकाश राजभर देखा माननीय स्वामी प्रसाद को क्या नहीं देखी, नारा चौहान सब लोग उधर से इधर, उन पर अशोक वाटिका भाजपा का उजाड़ी है। अब लंका जरा था अंतिम चरण में बाया, इस सत्रह चरण का चुनाव बा, बलिया में खाता नहीं खुलेगा भाजपा का। मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर खाता नहीं खुलेगा। 5 जिले में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। और बनारस का हमारा घर है, बनारस में जनसभा बनारस का बा। कल माननीय अखिलेश यादव जी रोड शो किए तो बनारस के लोग थे, और मोदी जी रोड शो किए तो गुजरात के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के लोग उनकी उनके रोड शो में थे। टीवी अखबार वालों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी की रैली जो रोड शो था उसमें बाहर के लोग आए थे, और अखिलेश यादव जी की रैली में बनारस के लोग थे, तो एक विकास कार्यक्रम बनारस से पहले से बैठाए गए थे, और वो गुंडे जब मैं इंट्री किया तो गाली घूमता दिए, गोली मारने की धमकी दिए, तो मैं तो चला गया, नॉमिनेशन करा के लौटा। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमारा कारण पकड़ लिए और हाथापाई किए, मारने लगे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इनमें रुक जाऊंगा तो योगी मुझे जेल करा देगा, हमारा आंदोलन रुक जाएगा। मैंने बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके किसी तरह निकल के बाहर आया और चला गया लखनऊ। लखनऊ जाकर के प्रेस वार्ता किया कि योगी मेरी हत्या कराना चाहता है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, योगी तेरे गुंडे मेरी हत्या करा देंगे, कोई परवाह नहीं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ भारतीय समाज पार्टी और वंचित पिछड़ा दलित समाज के लोगों, अकलियत के लोगों, ये आंदोलन जो चल रहा है इस आंदोलन को रुकने मत देना साथियों, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना। सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों के हानत होने का ध्यान करने वाले बीजेपी के लोगों को, किसानों के शहादत देने वाले किसानों के लिए आंसू भी बहाने नहीं पहुंचे। आज भी पूरा किसान योगी जी के शान से परेशान है, योगी जी के शरण से पूरा उत्तर प्रदेश किसान परेशान है, क्योंकि 200-200, 300-300, 250-250 किसानों का झुंड ज्यादा है, किसानों की फसल चढ़ करके बर्बाद कर देता है। और साथियों यही नहीं, आज पूरे प्रदेश में योगी सरकार गलतियों से व्यापारी भी भुखमरी के दर पर है, जो हमारा मध्यम श्रेणी का व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, जिसकी आमदनी महीने में 20-25,000 रुपये थी, अब जीएसटी के लिए उसको 50,000 रुपये में एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। अब जिसकी बीच है इस जनता का मान सम्मान बांधने के वाले बीच है, और हमारे सभी यथोपस्थित वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के, गठबंधन पार्टी के सभी नेताओं को, क्योंकि समय कम है, आप सभी से क्षमा मांगते हुए आप सभी को इस समय में, और हमारे मौजूद यहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, मेरे नौजवान भाई बहनों को, वे
मीडिया बंधुओं को आप सभी को आपके भाई आपके बेटे से जय भीम जय समाजवाद जय सुरेंद्रदेव जय जवाहर। सभी जिसके इंतजार कर रहे थे वो लोग हमारे बीच आ चुके हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि जितना समय तो आप लोग मैं भी होने सुनने के लिए मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ, ये 2022 का चुनाव हम इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इससे लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान बचाने का चुनाव है, ये रोजगार पाने का चुनाव है, ये उस गरीब जनता के विरुद्ध सरकार को हटाने का चुनाव है जिसने किसानों को हमारे नौजवान भाइयों को सबको सिर्फ सताने का काम किया है और पूरे प्रदेश की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को ठगती रही है, आपका जो यहाँ का प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का उसने भी आपको 10 सालों में सिर्फ ठगने का काम किया है और अब वो ठग इस ठगों की सरकार को जाके छोड़ गए हैं।